हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, और ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या इनका बेनिफिट्स होता है, क्या प्रोसीजर है इसको इशू करने का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, गैप्स क्या होता है और उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। सबसे पहला और मेन इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि इससे इजी हो जाता है कंपैरिजन करना, चाहे इंटर फर्म या इंट्रा फर्म। इसका मतलब अगर कोई कंपनी है जिसकी 5 फैक्ट्रीज हैं, तो वह आपस में भी कंपेयर कर सकती है परफॉर्मेंस, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती है ऑपरेटिंग रिजल्ट, जैसे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने डिस्कस किया था, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटी लगाने पर उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये चीजें वो कंपेयर कर सकती है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो इसी तरीके से करेंगे, तो इस वजह से कंपेरिजन बहुत ईजी हो जाता है। और जब हर कोई एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो उससे रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, एक भरोसा बढ़ता है, क्योंकि हर कोई एक ही तरीके से काम कर रहा है। और इससे क्या होता है कि क्वालिटी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बढ़ती है, क्योंकि जब हर कोई एक ही तरीके से फॉलो कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वर्क कर रही है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आएगी तो उसको बहुत इजीली हाईलाइट और सॉल्व किया जा सकता है। बट अगर हर कोई अलग अलग मेथड फॉलो करेगा तो वहां अकाउंटिंग को आइडेंटिफाई करना, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी इम्प्रूव करता है। और इसका मेन मोटिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, कि कुछ भी हम ऐसा हाइड ना करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के पर्पस से। तो एक ये सही और एक फेयर व्यू प्रेजेंटेशन देता है। अल्टरनेटिव जो अकाउंटिंग के मेथड्स है उसको रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है, जैसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वहां हमारे पास फीफो है, लीफो है, एलसीएम, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेथड। तो इसमें से एक पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा मेथड आप यूज करेंगे इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे क्योंकि जितने ज्यादा अल्टरनेटिव अकाउंटिंग मेथड होंगे उतने ज्यादा स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आएंगे, तो ये उसको लिमिट करके एक स्टैंडर्डाइज बनाता है। और ये एक तरह से अगर हम बात करें अकाउंटेंट और ऑडिटर्स के लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंटिंग करते वक्त आपको 50 पॉइंट्स का ध्यान रखना है तो आप उसको एक चेकलिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं कि आपने ये करा है, ये करा है, ये नहीं करा है। बट अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है तो हो सकता है 50 बातों में से एक बात आप मिस कर जाएं और वहीं आपकी गलती हो जाए। तो अगर हम कहें तो ये एक तरह से चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है अकाउंटेंट और ऑडिटर्स को, जिससे वो सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इस तरीके से क्या होता है, जो भी मैनिपुलेशन या फ्रॉड हो सकते हैं अकाउंटिंग में उसको ये मिनिमाइज करता है, कम करता है। तो ये तो बात हो गई कुछ बेनिफिट्स की। आइए अब समझते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है इशू करने का, अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ICAI और ASB। ICAI इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने ASB को कंस्टिट्यूट किया है, दैट मींस बनाया है। ASB की फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है टाइम बाय टाइम, बट बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कंट्री में जो लॉ है वो कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, कस्टम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी बिजनेस कंट्री में चल रहे हैं उनकी क्या यूसेज है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखे अगर किसी स्टैंडर्ड को चेंज करना हो या नया स्टैंडर्ड लाना हो तो वो उसको फॉर्मुलेट करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, एक एरिया सिलेक्ट करेगा जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ कुछ स्टडी ग्रुप्स जो है उसको उसमें इन्वॉल्व करेगा कि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे स्टडी करेंगे। उसके बाद वो व्यूज लेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि खुद से सोच के वो बना दे, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक सेक्टर या फिर जो भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में चल रही है उनसे व्यूज लेगा कि हमने ये स्टैंडर्ड बनाने की सोच रहे हैं, ये हमारा पैटर्न है, आपका इस पर क्या व्यू है। और उसके बिहाफ पर वो क्या करेगा, एक ड्राफ्ट बनाएगा, दैट मींस वो फाइनल नहीं है, अभी वो एक ड्राफ्ट समरी बनाएगा, उसमें वो मेंशन करेगा कि इसको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका स्कोप है, कितने एरिया को ये कवर करेगा,
क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या मतलब होगा, किस तरह ये खर्चे या फिर इनकम को रिकॉग्नाइज करेगा और कितना वैल्यू में उसको मेजर करेगा, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या चीजें हमें बतानी होगी और कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ये सब इस ड्राफ्ट में मेंशन होगा। और इस ड्राफ्ट को वो क्या करेगा, आईसीआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसको, और जो भी अदर बॉडीज है जैसे हमने बात करी थी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज, उसको वो देगा उनके व्यूज के लिए। और उनके व्यूज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक ड्राफ्ट फाइनल करेगा और उसको आईसीआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसको और पब्लिक को देगा, और फिर उनका वेट करेगा कि उनके कमेंट्स के लिए। और अगर वहां से अप्रूवल आएगा आईसीआई से तो उसके बाद ये सेंड कर दिया जाएगा एनएसीएस, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो ऑफिशियल गैजेट उसमें नोटिफाई हो जाए, और जब ये नोटिफाई हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अब आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, बन चुका है। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करने का इन इंडिया। अब समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल मतलब जो हम अपने एक्सपीरियंस से ओवर टाइम सीखते हैं। हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो रिजल्ट सही आते हैं, तो धीरे धीरे उसको प्रिंसिपल की फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं। तो अगर बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो ये रूल और गाइडलाइंस होते हैं जो अकाउंटेंट को बताते हैं कि बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है जैसे सेल, परचेस, एक्सपेंसिस या फिर कोई इनकम, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए ये एक जनरल फ्रेमवर्क देता है जिसमें आपको पता लगता है, एक आइडिया मिल जाता है कि क्या आपको इंक्लूड करना है क्या नहीं। बट इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है। सबसे पहली बात, कोई भी अगर आप प्रिंसिपल बता रहे हैं जैसे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, वो रियल एंजम्पशन के बेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल, आप कुछ सोच के, कोई इमेजिनरी सिचुएशन सोच के आप बना रहे हैं। दूसरा, सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको आप रेगुलर फॉलो कर सके, और इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस प्रिंसिपल का कोई आपको फायदा ही नहीं हो रहा अकाउंटिंग में फॉलो करने का, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन ये दे। तो अगर ये बातें फॉलो करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो आप कह सकते हैं कि इसको आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब समझते हैं गैप्स, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं, एक बहुत मेजर कम्युनिटी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है इसको हम फॉलो करेंगे, तो उसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, तभी इसको जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट होता है रेलिवेंस, की एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दे। दूसरा पॉइंट होता है इसमें ऑब्जेक्टिविटी, दैट मीन्स कोई भी पर्सनल जजमेंट पर बायस नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली सभी के लिए कॉमन तरीके से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली कहीं क्रेडिटर्स को या फिर ओनर को सपोर्ट कर रहा है, पर्सनल जजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इसमें फिजिबिलिटी, इजी होना चाहिए रिकॉर्डिंग करना, जो इसका प्रोसेस है इसको फॉलो करने का वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, फिक्स एसेट को हम कोर्स पर इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मार्केट प्राइस पर इसको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ ऊपर नीचे हो सकता है, तो बार बार उसको रिकॉग्नाइज करना, इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल है। तो बट कॉस्ट से रिकॉर्ड करना बहुत इजी है, तो ये ध्यान रखता है कि इजी टू रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ और ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये भी बताता है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसको एसेट या लाइबिलिटी में कंसिडर करें, कैसे कैलकुलेट करें, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, कौन सी नहीं, तो ये सारी बातें बताता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल जिसको जनरली एक्सेप्ट किया गया है। अब समझते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये एंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी और इजी अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने पहले वीडियो में बात करी थी कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्कूल में सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, दैट मीन्स सभी कॉमनली एक यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे यूनिफॉर्मिटी मतलब हर अकाउंटेंट एक ही प्रोसेस को फॉलो करेगा, और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए वो। ऐसा नहीं है उसकी टर्म्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो समझने के लिए। तो ये जो गैप्स है ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी और इजी अंडरस्टैंडिंग। और सिंपल गाइडलाइंस होती है, जैसे हमने बात करी थी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन जो हम अपने टाइम से सीखते हैं। और फाइनली इसमें क्या है कि एक फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, बिजनेस के काम करने का तरीका बदलता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के टाइम में अब जो काम करने का तरीका है वो आज से 20 साल पहले नहीं था, और रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग टाइम बाय टाइम बदलती है।
तो जो भी चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में, बिजनेस प्रैक्टिस में, या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बदलते रहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बना दिया तो उसको हमेशा फॉलो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया चैप्टर 4 के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।